नाज़रीन, आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अक्सर एक मंज़र देखा होगा कि एक बिल्डिंग है, उसे गिराया जा रहा है, वो एक सेकंड में ऊपर से लेकर नीचे आ जाती है, हालांकि वो बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग होती है। इसी तरह आपने एक खेल देखा होगा जिसे डोमिनो कहते हैं, और उसमें वो इतनी तेज़ी से निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं कि आदमी सहरज़दा होकर रह जाता है। तो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी की पूरी वो जो इमारत, कल तक ऐसा लगता था कि पूरी रियासत पे छाई हुई है, पूरे मुल्क पे छाई हुई है, हर चीज़ को वो फतह कर चुकी है, मकबूलियत के उस दर्जे पर पहुंची हुई है, जहाँ से कैसे यानी शायद इस मुल्क के तो किसी के बस में ना होगा या सियासी जमात में कि उसे नहीं चला सके। और जो उसके हिमायती और ख़ास तौर पे जो उसके तर्जमान थे, वो कहते थे जनाब खम्बे को भी खड़ा कर दें खान साहब, तो वो भी मकबूलियत का ये आलम है कि अब वही लोग जो ये कहते थे कि खम्बे को भी खड़ा कर दें, वो तो खम्बा तो छोड़ें आप, ये खुद बिल्कुल गायब हो गए। एक के बाद एक रोज़ाना 10-15 10-15 का हिसाब है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनकी घंगरज हर वक्त टीवी पर सुनाई देती थी, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसके अलावा एक फौज जफर मौज थी जो कि यूट्यूब के ऊपर जनाब अब इरशादात करती, फिर उससे बढ़कर एक और फौज थी जो ये काम करती थी यूट्यूबर्स की और इनकी ट्रॉलर्स की, कि अभी आपने किसी कुछ कहा नहीं पार्टी के मुताबिक, कोई इख्तलाफ किया नहीं, कि वो जनाब ऐसे आपके पीछे पड़े, और वो कोई मामूली उससे नहीं, हम बार बार बता चुके हैं, गालम गलोच, गलाजत, गंद, आपको किसी पे भी उछालना, इख्तलाफ करने वाले को इतना यानी वो करना कि वो जो है वो छोड़ के या तो भाग जाए या कान पकड़ ले। तो ये स्टाइल अपनाया हुआ था कि इख्तलाफ को रोन दो, इख्तलाफ करने वाले को तबाह कर दो, उसका कि कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, उसके ऊपर जितनी गलाजत फेंक सकते हो गलाजत फेंक दो, और जितनी गंदी जुबान, कितनी गालम गलौज उसके साथ की जा सकती है वो करो। तो ये किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद वो जो सारी इमारत सोशल मीडिया पे और सबसे बढ़कर जो शख्सियत परस्ती के ऊपर खड़ी थी कि जनाब एक ऐसा मसीहा है जिसको के मतलब नामालूम वो उसका है मेयार का और किस बुलंदी का है, कि उसे तो वो नीचे देखता ही नहीं है, वो तो ऊपर ही ऊपर देखता है, उसकी नज़रें तो सिर्फ आसमान की तरफ लगी, और नीचे तो बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं जो के चल रहे हैं। ये रवैया अख्तियार किया हुआ था, ये बातें बताई गई थी इन तर्जमानों को जो तैयार किया गया था, इन सारे सोशल मीडिया के वर्कर्स को, और इससे एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की थी। एक्चुअली ये सारा तासुर मीडिया का तासुर था, ये जो धड़ाम से सारी की सारी इमारत गिरी है सेकंड में, और जो हमने बताया ना फिल्म का सेकंड में गिरी, और सब सहरज़दा हैं और यकीन नहीं आ रहा। अब कोई कह रहा है जी ये उसका जुल्म है, कोई उसका जुल्म है, 2, 4, 6, 8 जो हैं वो भाग कर यहाँ से चले गए हैं, और वो बाहर मुल्कों में बैठकर, अमेरिका और बरतानिया में बैठकर अब हम पाकिस्तानियों को बता रहे हैं, यानी हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, वो हमें बता रहे हैं। मतलब उनकी ज़रा गौर फरमाइए कि उनको ये यकीन है कि अब भी वो शायद उतने ही बेवकूफ़ बना सकेंगे लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को उतना। अब तो भाई आप उन वर्कर्स को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने अपनी आँखों से गुज़िश्ता 10 दिन में जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से, बल्कि जिस बर्क रफ्तारी से पार्टी छोड़ के देखिए, और उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर वो देख लेते तो उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि जी खड़े हो जाओ, डट जाओ, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज ही नहीं है, मैं के जहाद पे जा रहे हैं और हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की बातें, और यूँ लगता है जैसे अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे बल्कि दुनिया फतह करने के लिए निकल रहे हैं। तो इस किस्म के कोई वो बनाया गया था, तो वो सारा तासुब सिर्फ 10 दिन के अंदर ख़त्म होकर रह गया। अरे भाई,
अपने मुखालिफीन को देख लें, यानी अफसोस, यानी उन्हें अफसोस होता होगा खुद वर्कर्स को कि कहाँ, जब वो कंपेयर करते हैं जिनके मुताबिक कहा जाता था ये तो जी करप्ट तबाहाल बर्बाद कर दिया मुल्क को, लूट के ले गए मुल्क को, तो वो जिनके मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाए गए थे और जिनके ऊपर गालम गलौज करती थी, उनके अंदर खातून लीडर मरियम नवाज 1 साल तक कैद रही और वो कोर्ट से जमानत लेके निकली, किसी से माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी, किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। नवाज शरीफ 2 साल जेल में, किसी से माफ़ी नहीं मांगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। उसके अलावा तो एक लाइन है, राना सनाउल्ला हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दूसरे, ये तो मैं हाल में हूँ, जरदारी साहब हैं इधर बीमार रहे, उनकी बहन है और दूसरे लीडर हैं खुर्शीद हम शाह साहब वगैरह हैं, कभी किसी ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई माफ़ी मांगी, ना कुछ कहा। गए थे उसके बाद रिहा होकर आ गए और फिर भी वो उसी तरह अपने मौक़ के ऊपर, अपने अपनी पार्टी का जो मौक़ था उस पर डटे।